जी फरमाइए। अच्छा ठीक है, आप ठहरे, मैं लाती हूँ। لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن نسى من يقول من الله باليوم الآخر دعاهم جی بیٹا مما باہر کوئی عورت آئی ہے پاگل سی اور پانی مانگ رہی ہے پاگل جی بیٹا پاگل نہیں کہتے ان کو मज़ूब कहते हैं ऐसे लोग तो पाक होते हैं अल्लाह वाले होते हैं जाओ उनको पानी दो शाबाश अंदर लेकर आओ बस कर दे मामा आपको तो हर कोई अल्लाह वाला लगता है अच्छा तुम रहने दो मैं खुद ही पानी दे आती पानी पी ले खाना खाएंगी बीबी जान खाना खाएंगी खिला अंदर आए मेरे साथ खिला आज उठे उठे बीबी जान खिला एडवोकेट शाहिद सिद्दीकी साहब आओ आओ इंस्पेक्टर बैठो मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि जिन मुजरिमों को मैंने अपनी जान पर खेलकर गिरफ्तार किया था वो छूट गए क्या पियोगे जहर अव्वल तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर सकता और दोयम ये कि अगर तुम ये ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो मेरे दफ्तर से बाहर चले जाओ कम से कम मैं तो महफूज रहूं वैसे वकील साहब काफी सेल्फिश इंसान है आप बीबी जान ये लीजिए शुक्र शुक्र ये ले शुक्र शुक्र अल्लाह शुक्र बीबी जान आप दुआएं फरमाइए कि मेरी राबी को बहुत अच्छा लड़का मिले मिलेगा जरूर मिलेगा रब करेगा बीबी जान उसका सारा जहेज तैयार है आप अल्लाह वाले दुआ कीजिएगा कि ये बोझ मेरे सर से जल्द उतर जाए उतर जाएगा परेशान ना हो अल्लाह पाक सब उतार हक मौला तो इत्मीनान रख सब होगा जी ये लीजिए शुक्र 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 मेरा खून खौल रहा है और आप मुझे इत्मीनान का लेक्चर दे रहे हैं जीरा और पारा खतरनाक डाकू हैं जो जमानत पर रिहा हो चुके हैं
सबूत मैंने आपको मुहैया किए थे वो नाकाफी थे। और वो सामान जो जीरे और पारे से बरामद हुआ था उसे आप सबूत नहीं मानते? इस बात की क्या गवाही है कि वो सामान चोरी का था? सामान का मालिक फखर अहमद। फखर अहमद अदालत में मुनरिफ हो गया। उसने न सिर्फ सामान बल्कि जीरे और पारे को भी पहचानने से इनकार कर दिया। बताओ ऐसे में सरकारी वकील क्या करता? उसने ऐसा क्यों किया? खौफ, खौफ मेरे भाई, खौफ। कैसा खौफ? बीबी जान, मुझे इसी बात का खौफ रहता है कि आजकल के नौकर चोर और डाकुओं से मिले हुए, इसलिए मैं कोई नौकर ही नहीं रखती। हम माँ बेटियां खुद ही सारा काम करती हैं। ले, ये ले, रख। पानी, बोतल में पानी रख। पानी की बोतल में डाल दी। मगरिब की नमाज के बाद पिला इसे एक घूंट। हलो, जिस दिन पानी खत्म, इसका नसीब खुल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। बीबी जान, मैं चाहती हूँ कि ऐसा लड़का मिले जो घर दामाद बन जाए, मेरी राबी मेरे आंखों के सामने रहे। हो जाएगा, हो जाएगा, होगा, होगा। बीबी जान, ये रख लीजिए। क्या है? नजराना। रख, वापस रख। रोएगी, पछताएगी। अल्लाह, बरकत उड़ जाएगी। अभी नए नए भर्ती हुए हो, गैर शादीशुदा हो, इसलिए इनकलाबी बातें कर रहे हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी इनकलाबी था। तमीज मत बांधिए। शरीफ आदमी गवाही देने से इसलिए डरता है कि बाद अज़ रिहाई मुजरिम उसको और उसके ख़ानदान वालों को नुकसान ना पहुंचाए। और ऐसा हुआ भी है। अगर ऐसा ही होता रहा ना तो चोर और डाकू लूटते रहेंगे और शहरी लुटते रहेंगे और हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या करोगे, यही हुदूद है। हुदूद से तजावुज। हुदूद से तजावुज करोगे तो ये वर्दी उतर जाएगी। बहुत मुमकिन है कि जेल यात्रा भी करनी पड़े। हर शहरी, हर इदारा पुलिस वालों पर उंगली उठाता है कि पुलिस वाले ऐसे हैं, पुलिस वाले ऐसे हैं। लेकिन कोई मुद्दई जब राय फरार इख्तियार करे तो पुलिस क्या करे? गुड, यही वो नुक्ता है जहां से हमारी बहस का आगाज हुआ था और यही मेरा जवाब भी है। मम्मा, ये क्या तमाशा है? दीदी जान नाराज हो जाएंगी और अगर इन्होंने बदवा दे दी ना तो सदा घर बैठी रह जाओगी। आप उनको फौरन चलता करें वरना मैं पापा को फोन करूंगी। बकवास मत करो। तेरे सिर का साइन कब आएगा? आप क्यों पूछ रही?
उसके सर पर हाथ रखकर दुआ करूंगी। फिर अगले मंजिल को भी तो जाना है। जी जी बीबी जान, वो ऑफिस गए हुए, बस घंटे भर में आते होंगे, आप थोड़ी देर इंतजार कर लें। नमाज कहाँ पढ़ें? इसी कमरे में पढ़ लें नमाज, मैं जा नमाज बिछा देती हूँ। बीबी जान, मैंने जानमाज बिछा दी, आप नमाज पढ़ लें। आपके तफ्तीशी ने रिपोर्ट लिखते हुए बेहतियाती से काम लिया, जिसका फायदा जीरे और पारे को हुआ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं दहशतगर्दों का निशाना बने हम, शहीद हो हम, अपने बीवी बच्चों से दूर रहे हम, दिन रात ड्यूटी करें हम। इन सफाक मुजरिमों की फौरी सजा का कोई रास्ता होना चाहिए। कुछ दिलवालों ने रास्ता निकाला तो है। वो क्या? इनकाउंटर। इनकाउंटर? हाँ, इन दरिंदों से माशरे को पाक करने का यही एक हल है इन सरपड़ों की नजर में। खसकम जहां पाक। मावराए अदालत कत्ल निहायत ही फजूल बात है। मैं भी इसके खिलाफ हूं। तो फिर मैं क्या करूं? कुड़ते रहो और सिस्टम को कोसते रहो। देखा, मैं आपसे कह रही थी ना कि औरत मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे क्या पता था कि औरत पागल है। आप तो मजूब कह रही थी इसे। क्या करूं, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे, अब क्या करें? इसको कॉल करें? नहीं, और उसको कॉल नहीं करते, उसके घर वालों को कॉल करते हैं। जो जानमाज पे नंबर था ना, उस पे करते हैं कॉल और कहते हैं आके इसको ले जाए, पुलिस के चक्कर में पड़ गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मगर मम्मा, अगर मगर छोड़ो रागी, फोन मिला, नंबर याद है ना? जी मिला। कबूतर के अगर पर बंधे हों तो वह सिर्फ फड़फड़ा सकता है, उड़ नहीं सकता। अगर आपको कभी किसी डाकू के खिलाफ गवाही देना पड़ी तो क्या आप गवाही देंगे? जरूर दूंगा। फखर अहमद की तरह मुनहरिफ नहीं होऊंगा। कम से कम एक डाकू तो कैफर किरदार तक पहुंचेगा और तुम्हारी तशफी भी हो जाएगी। उम्मीद की फिजा में रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आइए 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 भाई। आपने हमारी माँ की हिफाजत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी ये तो हमारा फर्ज था। अम्मी का है? वो ले आ गई। इन लोगों ने मेरा भाव ख्याल रखा है। और हाँ शकीला, तुम्हारा जितना बोझ था ना, वो मैंने इस गठरी में बांध दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि सीधी खड़ी हो जाओ, चाबियां कहाँ अलमारी की? शकीला, शकीला, राबी बेटा, भैया दरवाजा क्यों खुला है बाहर का? Oh, my God.
हेलो वकील साहब, आपके लिए एक खुशखबरी है। जीरे और पारे को मैंने गिरफ्तार कर लिया और कल अदालत में पेशी के लिए लेकर जा रहा हूँ। आप आ रहे हैं ना गवाही देने? वजाद, मुझे कल रात एक कॉल मौसूल हुई है कि अगर मैंने गवाही दी तो मेरी बेटी को अगवा कर लिया जाएगा। मतलब? सॉरी इंस्पेक्टर, मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। आप भी डर गए, यानी इंसाफ का गला एक बार फिर घुट जाएगा। गवाही ना होने की वजह से जीरा और पारा रिहा हो जाए। अफसोस। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। वकील साहब, आपके लिए खुशखबरी है। जीरे और पारे को मैंने गिरफ्तार कर लिया और कल अदालत में पेशी के लिए लेकर जा रहा हूँ। आप गवाही के लिए आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गवाही नहीं दूंगा तो अपने अल्लाह के सामने सुरखरू कैसे होऊंगा? जरूर दूंगा गवाही, जरूर दूंगा। गुड।